ये उन दिनों की बात है। प्यार बहुत छोटा सा शब्द है ना, लेकिन इस छोटे से शब्द में पूरी दुनिया को बदल देने की ताकत है। खैर, ये बात सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसे किसी से प्यार हो। माफ करो मेरे चाचा, हमें नहीं करना कुछ महसूस महसूस। प्रीति रुक, चलते रहने दो, अच्छा है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि दो जहान की दौलत ने मेरे लिए बेकार चाहिए, वो चाहिए इस दिल को जिससे प्यार है। दोस्तों, प्यार एक ऐसे एहसास का नाम है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही एक एहसास को दिल में लेकर मैं आप सबके सामने एक धुन पेश कर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि आप सबके साथ साथ ये धुन उसको भी पसंद आएगी, उसे जो मुझसे दूर होने के बावजूद भी मेरे दिल के पास है हर लम्हा हर पल। प्रीति, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाज समीर की है? जीजा जी, जीजा जी, रेडियो पे। नहीं, मेरा मतलब है कि पूजा दीदी और जीजा जी भी रेडियो सुन रहे होंगे। हाँ, क्या पता सुन रहे हो। आपका हो गया ना? जी, आप लोग रेडियो सुनिए, मैं खाना बनाने जाती हूँ। मैं भी बुआ धोके आता हूँ। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार में जुदाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे दूरियां बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपका प्यार भी बढ़ता है। तो भाई नहीं, देखो शायद ये बात सच होगी, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि जुदाई का एक एक पल मौत के बराबर होता है। तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ मांगना चाहूंगा कि कभी भी दो प्यार करने वालों को कभी जुदा ना करें। नहीं, ये समीर कैसे हो सकता है? पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस आवाज को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आपसे इजाजत ले, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की इस खूबसूरत घड़ी को अपनी बेहतरीन आवाज से और भी खूबसूरत बनाने वाले शख्स का नाम, और इनका नाम है, नाम में क्या रखा है? लेकिन अगर आप मेरा नाम जानना ही चाहते हैं तो प्यार से आप मुझे प्रेम बुला सकते हैं। सुन लिया, ऐसे ही समीरा समीरा कर रही थी। दोस्तों, अब मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ इस समय की आखिरी धुन, और ये धुन उन सब प्यार करने वालों के लिए जो अपने दिलबर, अपने आशिक और अपने महबूब से जुदा है। साथ ही साथ मैं उन सबसे ये भी कहना चाहता हूँ कि दूर होते हुए भी आप अपने प्यार को महसूस कर सकते हैं, आसमान में उस सबसे ज्यादा चमकते सितारे को देखकर। नैना, अपनी खिड़की के बाहर आसमान में देखो, जो सबसे ज्यादा चमकता सितारा है ना, वो मैं हूँ। और मैं भी यहाँ आसमान में देख रहा हूँ उस सितारे को जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, जो तुम हो। एक दूसरे की चिट्ठियों को पढ़कर, एक दूसरे की फोटोज देखकर, या फिर उस फूल को देखकर जो शायद आपने एक दूसरे की याद में खिलाया, चलिए दोस्तों, एक आखिरी शेर इस उम्मीद के साथ कि जिसके लिए मैंने शेर लिखा था उसने इसे पढ़ तो लिया होगा और आज शायद सुन भी लेगी। ये समीरी है, ये समीरी है प्रीति। तुम हो बंदगी मेरी,
तुम ही मेरी इबादत हो, तुम हो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। वाह, क्या स्टाइल था समीर का। आजकल लोग अपने दिल की बात फोन पे बताते हैं, वीडियो कॉल पे बताते हैं, ईमेल पे बताते हैं, लेकिन समीर ने तो डायरेक्ट रेडियो। सच में समीर ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया था। अब मेरी बारी थी, रेडियो ने सही, रेल ही सही, जिसमें बैठ के मुझे दिल्ली जाना था अपने समीर के पास किसी भी कीमत पर। दोस्तों, उस जमाने की गीत तो सुन लिए, अब इस जमाने का कुछ सुनते हैं। मेरी तरफ से एक गाना जो हर प्रेमी और हर प्रेम को पसंद है। जान की दौलत मेरे लिए बेकार, चाहिए वो चाहिए इस दिल को जिससे प्यार है। समीर, प्यार एक ऐसे एहसास का नाम है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही एक एहसास को दिल में लेकर मैं आप सबके सामने एक धुन पेश कर रहा हूँ। चांद गुस्ताखिया जो करे वक्त को थाम लूं मैं, रात का ये समा अब्र का कारवां, संग इनके बने अपनी दास्तां। क्या आवाज है यार, मुझे तो बिना देखे प्यार हो गया इससे। काम्या, हाँ? मुझे देना ये कैसेट। आहा, मुझे देना ये कैसेट। मैंने ये कैसेट सिर्फ अपने लिए रिकॉर्ड किया है ताकि मैं अपने प्रेम को दिन रात सुन सकूं। प्रेम, नकली नाम है ये। तुझे बड़ा पता है। बेशक, तू ना फॉरवर्ड करके सुन ले। और वैसे भी उसने कहा था ना नाम में क्या रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो आप मुझे प्रेम कह सकते हैं। कह तो ये ठीक रही है, उसका नाम प्रेम हो या जो भी हो, मेरा तो दिल लांग गया उसके ऊपर। लेकिन काम्या, वैसे वो दिखने में कैसा लगता होगा? बिल्कुल अपनी आवाज की तरह, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। ओ मैडम, तेरा प्रेम ना किसी और को प्रेम करता है। मतलब? मतलब ये कि उसकी आवाज से, उसके बात करने के तरीके से, उसकी शायरी से साफ पता चलता है कि वो ना किसी और को बहुत प्यार करता है। तुम हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो, तुम हो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। वैसे इसकी आवाज थोड़ी सुनी सुनी सी नहीं लगती? काम्या, तुझे सच में हो गया है प्रेम रोग। महबूब मेरा, महबूब मेरा, महबूब मेरा, मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब, मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब, सरगोशिया चुपके।
के करे दस्तक से दे हो गया मेरा प्रेम रोग प्रेम रोग प्यार बहुत छोटा सा शब्द है ना पहचाना किसकी आवाज है एक बार फिर से सुनो प्यार बहुत छोटा सा शब्द है ना साथ पहचाना मैं उन सबसे ये भी कहना चाहता हूँ कि दूर होते देखो अगर तुमने सही जवाब दिया इंडिया गेट ले जाकर तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी आसमान में उस सबसे ज्यादा चमकते सितारे को देखकर अभी तो नैना स्कूल गई होगी पता नहीं उसने मेरा प्रोग्राम सुना होगा कि नहीं लेकिन अगर सुना होगा ना तो 100% पहचान गई होगी बताओ ना मम्मा किसकी आवाज है कोशिश करो ना बेटा प्यार बहुत छोटा सा शब्द है ना अगर आप मेरा नाम जानना चाहते हैं तो प्यार से आप मुझे प्रेम बुला सकते हैं प्रेम बुद्धू कहीं की प्रेम नहीं समीर ये तुम्हारे समीर भैया की आवाज है सच्ची सच्ची एक माँ अपने बेटे की आवाज लाखों आवाजों में पहचान लेती है मेरा समीर रेडियो प्रोग्रामर बन गया है मैंने उसकी ये आवाज रेडियो से ही रिकॉर्ड की है अब हम रोज है ना समीर भैया की आवाज रेडियो पर सुना करेंगे तो ठीक है मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी कि मेरे समीर भैया ना रेडियो ग्रामर बन गए हैं बुद्धू करेंगी रेडियो ग्रामर नहीं रेडियो प्रोग्राम अच्छा बेटा अब ये बात है ना हम दादी पापा और रोहन को नहीं बताएंगे उन्हें ना हम सरप्राइज देंगे ओके और एक प्रॉमिस करो कि तुम अपने समीर भैया जैसे बनोगे और अपनी मम्मी का नाम रोशन करो लेकिन मम्मा आपका नाम तो विशाखा है बिल्कुल दुद्दू है मेरी बेटी अच्छा अपना होमवर्क कंप्लीट करो मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ और उसके बाद रेडियो स्टेशन जाऊंगा समीर ये आंसू क्यों पहली बार आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनी ना इसलिए जानते हो मैं अपने बच्चों की ज्यादा तारीफ क्यों नहीं करती क्योंकि उन्हें मेरी नजर ना लगे अच्छा एक बात बता कहां छुपा कर रखा था इतना टैलेंट अब तक दोस्तों ये गाना खास उन लोगों के लिए है जो किसी से प्यार करते हैं वाह पापा सच कहते थे मेरा समीर हीरा है हीरा आज तो मुझे भी मानना पड़ेगा लाख कोशिशें कर लूं हीरे की चमक छुपाए नहीं छुप सकती मेरा बेटा हीरा है हीरा सच नैना से दूर होने के बाद लगा था कि अब कोई भी मेरा अपना नहीं है मम्मी से तो पहले से ही दूरियां थी इतनी सारी गलतफहमियां जो हो चुकी थी हमारे बीच लेकिन उस दिन मम्मी से गले मिलके सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं मम्मी से और मम्मी मुझसे कितना प्यार करते हैं वो प्यार जिसे मैं बचपन से मिस करता आया था लेकिन जहां मुझे इस बात की खुशी थी वहीं एक दुख भी था कि मेरे नानू ये नहीं देख पाए पंडित भाभी उदास लग रही है यार दिख रहा है यार बे देखने से काम नहीं चलेगा कुछ सोच यार तू दोस्तों आपको पता है आज हेमा ने एक नया डांस सीखा
देखना चाहोगे आप लोग? स्टार्ट। खा लिया कर, कुछ डांस करेगी। इसे कहते हैं नैना डांस। क्या कहते हैं? नैना डांस। नमस्ते टीचर। नमस्ते। बैठ जाइए। काम्या, हेमा, ज्योति, मैत्री, आप सबको अभी थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करना है। ध्यान रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी मैडम। मैम, मैम, अगर आप मुझे एक मौका देते तो। दिया था ना एक मौका। क्या हुआ? सीधा फर्श पे। मैम, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज एक मौका दे दीजिए। क्लासिकल की स्पेलिंग तक तो आती नहीं है, और क्लासिकल डांस करेंगी आप? मैडम जी, कौन कहता है क्लासिकल की स्पेलिंग नहीं आती? बता देना मैडम को, KALSEE के आगे A। हाँ, क्लासिकल। वाह, क्या बात है। थैंक यू मैडम। मैडम जी, मुझे तो क्लासिकल के विपरीत शब्द भी आते हैं। क्लासिकल, क्लासी आज। हाँ, वैसे क्लासी परसों भी हो सकता है जी। देखा? अभी कहाँ देखा मैडम जी, आप इसे एक डांस का चांस तो दो, तभी तो देखेंगी आप। मैडम जी, आई एम वेरी प्लीज्ड। बस कैसे भी करके नैना को एक मौका दे दो आप, प्लीज। मैडम, आप जो भी कहेंगी हम वो सब करेंगे। हम शोर भी नहीं मचाएंगे, हम अपना होमवर्क करके आएंगे। आपके पीरियड में ना मैं सोऊंगा भी नहीं, और हम परीक्षा में 90% लाएंगे। अबे क्या बोल रहे हैं? क्यों, तेरे मेरे मिला के 90% नहीं आ सकते? आ जाएंगे। तुम लोग अच्छे से डांस करना प्रिंसिपल सर के सामने। प्रीति, तू क्लास में जा, कब तक मेरे लिए रुकी रहेगी? जाएगी? अरे भाई, नैना, नैना दिल्ली जाएगी। क्या धरती फाड़ आइडिया आया मेरे दिमाग में, तू बताओ ना। अब बाहर चलो, फिर बताऊंगा। अरे वो फ्रॉक वाला पंडित कहाँ है? अरे वो भी बाहर है, पानी पीने गया है। एक मिनट, प्रीति कहाँ है? तू बाहर क्या कर रही है? आओ आओ जल्दी आओ। मैं तो कह रहा था क्योंकि अगर हम ऐसे करें। एक मिनट। पंडित तू खुद बाहर खड़ा और उसे बोल रहा तू? चुन बनाने की क्या जरूरत है? ऐसे ही बता दो ना। जरूरत है? दीवारों के भी कान होते हैं। अब तू वहां क्या देख रही है? कान ढूंढ रही थी दीवारों के। मैं छोड़ो, आओ जल्दी आओ। बहुत बढ़िया, हम तेरे लिए प्लान बना रहे हैं और तू खुद बाहर खड़ी है। तो ऐसे ही बता दो ना मुन्ना। अब की बार लास्ट है, विद्या रानी की कसम बिल्कुल फाइनल बता दूंगा मैं। आ जाओ जल्दी आओ। तो मैं ये कह रहा था, जैसे ही काम्या और बाकी की लड़कियां जब प्रिंसिपल सर के सामने डांस करेंगी, पागल हो गई है क्या? मैं पागल नहीं हुई हूँ, तुम लोग पागल हो गए।
लेकिन नैना ये चुप कर, बोला ना नहीं। अरे क्या नहीं, लोग प्यार में जान तक कुर्बान कर देते हैं, मैं तो कब का कर देता। अरे आग के कुएं में कूद जाती है। दरिया, आग का दरिया। तुझे बड़ा पता पंडित। हाँ दरिया, लोग प्यार में आग के दरिया में कूद जाते हैं। हाँ, और साथ समुंदर पार कर लेते हैं। तू इतना भी नहीं कर सकती नाना। ए भाभी मान जाना। अच्छा हमारे लिए ना सही, समीर के लिए मान जाना। प्लीज प्लीज प्लीज। सोचने ना, दिल्ली की सर्दी में तू और समीर लाल किले के सामने छोले भटूरे खा रहे होंगे, और इंडिया गेट पे आइसक्रीम भी तो खाएंगे, और अप्पू घर में झूले, और चांदनी फिल्म के ऋषि कपूर और श्रीदेवी की तरह मोटरसाइकिल पे। मुझे लगता है अब ये सब कामयाबी करेगी और दिल्ली भी वही जाएगी। क्या कह रही थी तो स्वाति, कामयाब? और नहीं तो क्या, सिलेक्शन होने के बाद तो कामयाबी दिल्ली जाएगी। और ऊपर से प्रीति कामयाब तो समीर को पसंद भी करती है। ओहो, और कहीं उसने समीर को पटा लिया तो क्या होगा? नहीं, दिल्ली तो मैं ही जाऊंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.